हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करियर कुल मैं हूं आपका करियर काउंसलर सागर आनंद एंड टुडे लेट मी जस्ट टेक लेट मी जस्ट टेक अ पेन हियर एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट डूल डिग्री बहुत लोगों ने बहुत कुछ पूछा है इन दिस वी विल ऑल्सो डू कंपेरिजन क्योंकि कई लोगों ने पूछा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंपेयर करेंगे ट्रिपल आई में अगर हमें ई मिल रहा हो तो हमें बिट्स लेना चाहिए डुएल डिग्री में क्या अगर हमें सी एस मिल रहा हो तो हमें लेना चाहिए क्या कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जैसे कि वी आई टी या मणिपाल में अगर हमें सी एस मिल रहा हो और यहाँ पर डुएल डिग्री लेना हो तो हमें लेना है क्या दीज कंपेरिजन विल डू इन दिस वीडियो बेसिकली दिस वीडियो इज़ अबाउट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट एम एस सी डूल डिग्री दैट इज़ इन इकोनॉमिक्स मैथ्स फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री मैं एक वर्ड बता दूँ जो इससे बहुत रिलेटेड एट दिस कंप्यूटेशनल कंप्यूटेशन आजकल ना अगर आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हो जैसे मेरी डिग्री थी कंप्यूटेशनल तो मैकेनिक्स और अगर आप जर्मनी में मैंने देखा बहुत सी डिग्रीज थी जिसमें कंप्यूटेशनल वर्ड था पैरल कंप्यूटिंग था अगर पैरल कंप्यूटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस एज वेल सो दे हैव दिस कंप्यूटेशनल थिंग इन विच लॉट ऑफ कैलकुलेशन इज डन अ लॉट ऑफ कंप्यूटर्स इज यूज एंड देव लाइक बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन विच दे डू जेनेटिक्स यूजिंग कंप्यूटेशनल दैट इज़ द कंप्यूटेशन बायोलॉजी इन क्लाउड सॉरी इन क्वान्टम प्रोसेसिंग Uh, they use uh, physics that is uh, computational physics and so and so forth so कम्पटेशन is a very important वर्ड आप याद रखिएगा कि अगर आपको एम एस के लिए जाना है और आपके में कंपटेशनल वर्ड आता है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें सी एस आ जाएगा एंड शॉर्ट ऑफ आपको सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने पड़ेंगे फॉर यूर ओन फॉर योर ओन फील्ड एंड प्लस सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने के अलावा जो है uh, इसमें जो है आप सिमलेशन की भी बात कर सकते हो क्योंकि कंप्यूटेशनल uh, मैनेजमेंट जैसे होता है तो उसमें हम सिमुलेशन की बात करते हैं जैसे सिमुलेशन का मतलब क्या है कि हम आर्टिफिशियली uh, उस सरकमस्टेंसेज या उन uh, uh, उन क्वालिटीज़ को हम जनरेट करते हैं और फिर उस हम उसमें हम उस अपने कंस्टेंट्स लगाते हैं और हम एक रिज़ल्ट देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी कंपनी का फाइनेंशियल सिमुलेशन कर सकते हैं कि जिस तरह से हमारी कंपनी चल रही है कितने साल में कितना प्रॉफिट करेगी सो एंड सपोर्ट सो माई नेम इज़ सागर आनंद आई एव डन बी टेक फ्रॉम वी आई टी बेलोर एंड एम एस फ्रॉम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेज जर्मनी आर सर्विसज वी आर अ फर्म कॉल्ड करियर कुल एंड दैट्स करियर एजुकेशनल गुरुकुल एंड वी डू पर्सनैलिटी टेस्ट एज आई एम ट्रेन इन टेस्टिंग पर्सनलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स सो वीच आज सेवन फिफ्टी एंड दिस इज़ वेरी लो इफ यू कंपेयर टू अदर अदर पीपल हु आर डूइंग एट अदर कंपनीज दर चार्ज नियरली टू थाउजेंड रुपीज़ फॉर दिस टू थाउजेंड टू फोर थाउजेंड ज्यादा ही होता है इससे बट वी आर डूइंग एट सेवन फिफ्टी करेंटली वी आर डूइंग यूनिवर्सिटी सेलेक्शन एट थ्री फिफ्टी एंड फॉर थर्टी मिनट्स एंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ वी आर चार्जिंग फॉर फोर्टी फाइव मिनट्स अगर आपको कन्फ्यूजन है यू कैन डू अगर आप चाहते हो कि हम जेई मेन्स का आपका सेलेक्शन पूरा लिस्ट ही भर दें या यू पी सीट की लिस्ट भर दें तो वी आर चार्जिंग फिफ्टीन हंड्रेड फॉर इट मतलब हम काउंसलिंग में ही लिस्ट भर दें और अगर आपको करियर काउंसलिंग कोर्स से रिलेटेड करना है कि आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट करो आप डिफरेंट कोर्सेज के बारे में बात करना चाहते हो तो थ्री फिफ्टी व्या चार्जिंग सो लेट एस स्टार्ट इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द डिफरेंट कंपनीज दैट हायर यू वैन यू आर डूइंग एम एस सी बेसिकली एम एस सी अगर आप करते भी हो एक्चुअली दे विल हायर यू फ्रॉम द डिग्री दैट यू आर गोइंग डूइंग इन योर बी टेक एंड वी विल टॉक अबाउट वॉट डू यू स्टडी इन विच ईयर एंड वॉट सी जी पी यू विल गेट यू वॉट ब्रांच

Breakup of the salaries or the type of companies uh, which are coming there. But in this channel, pe kafi hai. You, I would uh, suggest you will know what you So, this is a good place to know. And the second place we are talking about is NIRF. From NIRF, I have got my data. So, let us start very quickly and let us go into the type of companies. So, the type of companies, if uh, we will see later on, the first and foremost, there is IT field companies which are coming. And most companies, most companies, they allow all, all branches. So if you are from any branch, you will be allowed to sit in the placement. But the downside is that if you're going into IT, then in, in, in if, you, if you are in civil or if you are in mechanical or if you are in triple E, so the programming part has to be done on your own. So you know the programming part has to be done on your own. So it can be a little hectic done on your own. Ek bhot, uh, important. Baat hai. कि आपको ये अपने आप करना पड़ेगा दिस हैज़ टू बी डन ऑन योर ओन सो आईटी एक तरह की कंपनी आती है दूसरी जो है कंसल्टिंग फॉर्म्स आती है कंसल्टिंग फॉर्म्स का एक एग्ज़ाम्पल है फॉर एग्ज़ाम्पल डेलोइट हो गया सो डेलोइट इज़ वन कंपनी विच इज़ अ कंसल्टिंग फॉर यू आप, आप बिग फोर ले लीजिए बिग फोर में बिग फोर में जैसे कि ई e बाय आता है अर्नेस्ट एंड आता है uh, और के uh, आता है KPMG. These are some companies which are big consulting firms which are coming there. Then you have uh, companies that are coming from also banking sector. But banking sector से बहुत companies नहीं आ रही. But highest package जो दे रहे हैं वो लोग banking sector वाले ही दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पे analytics का बहुत काम होता है. ठीक है and the last option that you have is going into analytics. तो ज़्यादातर placement इनी सारी तरह के firms में हो रहे हैं. वो जो भी आगे है मैंने जो data लिया है वो मैं आपको दिखा दे रहा ह इन्हीं इदारे के फॉर्म्स में हो रहे हैं बाकी अभी सैलरीज भी हम लोग देख लेते हैं एंड अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि आप कौन से साल में क्या पढ़ोगे तो फर्स्ट ईयर में तो कॉमन होता है फर्स्ट ईयर में कॉमन होता है सब्जेक्ट्स पूरे कॉमन होते हैं जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट एक मैकेनिक्स एक कंप्यूटर्स uh, का सब्जेक्ट सो यू हैव अराउंड सेवन एट सब्जेक्ट्स एंड इंग्लिश so you have eight subjects so you have eight to 10 subjects and you have five subjects in the first semester and five subjects in the second and a little bit like this but the thing is ki first jo common hoga usme jo log msc kar rahe honge unko koi bhi btech degree allot nahi hui hogi first year mein btech degree nahi allot hoti तो जब आप first year common करोगे और आप ये सारे subjects पढ़ोगे और आपका एक CGPA आएगा तो उस CGPA के हिसाब से आपको बीटेक मिलेगा for example अगर आपका CGPA एट सी जी आता है तो आपको सी मिल सकता है और अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल सेवन पॉइंट वन उसे ले कर पॉइंट टू के बीच में कहीं रेंज कर रहा है तो आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल मिल सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकता है मतलब इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स सर्कट्री ब्रांचेज हैं वो मिल सकती हैं और सिक्स पॉइंट फाइव के अराउंड अगर सी आता है तो आपको मैकेनिकल या सिविल मिल सकता है एंड इफ़ यू गो बिलो दिस सिक्स के करीब जाते हैं तो आप केमिकल में जा सकते हैं अब ये बात है थोड़ा सा यही डिफ़िकल्ट पे कंफ्यूजन आता है कि मैं कहाँ तक लूँ देखें यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ तक तो जैसे कि अगर आप यहाँ तक लेना चाहते हो एक मिनट यहाँ तक लेना चाहते हो ये वाला जो एरिया है तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जब मैकेनिकल सिविल आता है ना तो कई बच्चे जो है अब ट्रिपल आई अब वो ट्रिपल आई छोड़ के आ रहे होते हैं या फिर उनको हो सकता है आई में कोई सी आई में इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल रहा हो या मटेरियल साइंस मिल रहा हो वो लोग ये छोड़ के आए हुए होते हैं अब बात ये कि अभी आप आगे देखोगे कि आप इतना पैसा दे रहे हो और फिर आप मैकेनिकल सिविल पढ़ रहे हो तो एक डाउन साइड ये है कि आपने एम एक तो पाँच साल आप लगा दोगे एक तो आप पाँच साल लगा दोगे दूसरा चीज़ अगर अब आप मास्टर्स भी करना चाहते हो तो अब आपको मास्टर्स जो अगर आप ट्रिपल आई या आई में अगर आप ट्रिपल आई में सी या ई लेते तो आप मास्टर्स अब इन दोनों ब्रांचेज में कर सकते थे बट अब यहाँ पे अगर आप मैकेनिकल सिविल लेते हो तो मास्टर्स फिर आपको मैकेनिकल या सिविल में ही करना पड़ेगा जिसका उतना स्कोप नहीं है उतना स्कोप नहीं है वेन यू कंपेयर टू सी एस एन ई सी या फिर अगर आप आई आई टी का टैग ही लेना चाहते हो और आई आई टी में इंजीनियरिंग फिजिक्स वगैरह मिल रहा है क्योंकि या फिर डी टी यू में आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल रहा है तो देन यू हैव टू थिंक कि मैं क्या करूँ क्योंकि पैसा नहीं खर्च हो रहा वहाँ पर आपका पैसा बच रहा है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप पच्चीस लाख खर्च कर रहे हो और यहाँ पे अगर आप दस लाख खर्च कर रहे हो सो यू आर सेविंग फिफ्टीन लैक्स यू आर सेविंग फिफ्टीन लैक्स और फिफ्टीन लैक्स में ना आप फिर एक काम ये कर सकते हो आप एम की डिग्री ले सकते हो नहीं कि नहीं आप तीन चार लाख इसमें मिला के आप एम की डिग्री ले सकते हो सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड ठीक है और जैसे कि अब हम लोग एन ये हम प्लेसमेंट्स uh, के ऊपर आते हैं इनके प्लेसमेंट्स के ऊपर आते हैं तो ये जो डेटा है कहाँ गया मेरा कर सर, हाँ ये जो डेटा है ये एन का है तो टोटल स्टूडेंट टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड थर्टी फाइव थे वन एट सिक्स सिक्स का प्लेसमेंट हो गया ये आप एन आई आर एफ़ की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं इसमें आपको फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आ, हायर स्टडीज़ के लिए टू फोर्टी सेवन बच्चे गए जो नॉन अकाउंटेबल है मतलब इनका हमें पता नहीं ना प्लेसमेंट हुआ है या फिर अपना बिजनेस कर रहे हैं और ना हायर स्टडीज़ के लिए गए या रिपोर्टेड नहीं है मीडियम देखिए अब यहाँ पे मीडियम साढ़े बारह लाख है मतलब कि साढ़े बारह मीडियम का मतलब पता है क्या है एक मिनट मेरा कहाँ जाला जाता है कर्सर बार बार हाँ साढ़े बारह लाख का मीडियम का मतलब है कि इसका आधा एक हज़ार एक हज़ार सत्रह बच्चे या समथिंग एक हज़ार सत्रह बच्चों को साढ़े बारह लाख या फिर और अबव इससे ऊपर की सैलरी मिली है मतलब काफ़ी अच्छा हो गया यार ये काफ़ी अच्छा हो गया तो ये मतलब ये वैसे भी बहुत ही अच्छा आता है आप मान लीजिए डी और एन जो है उसका आर ओ बिट्स से फिर भी मैच कर सकता है बाकी तो आप किसी भी कॉलेज को कंपेयर तो नहीं कर सकते आप बिट्स के साथ बट अगेन अगर आपको डिफरेंट वो मिल रहा है डिफरेंट ब्रांचेस मिल रही सो यू हैव टू सी सो इतने आधे बच्चों को बारह साढ़े बारह लाख का मिला है अब आप आइए कोर जॉब्स के ऊपर ये जो अब अपडेटा है ये आ रहा है यूट्यूब चैनल एक है एवरी अबाउट बिट्स फ्रॉम बी आई बिट्सियन इसमें से आ रहा है तो इसमें से जो हाइएस्ट नंबर ऑफ जॉब्स है उन्होंने भी यही कहा कि एक आई से आता है आई टी कंपनीस काफ़ी आती हैं कंसल्टिंग आती है एनालिटिक्स आती है अगर आप कोर ब्रांचेस में देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा कंपनीज यहाँ भी नहीं आ रही जबकि यहाँ का जो मैकेनिकल है एक्चुअली ये वर्ल्ड रैंकिंग में आता है जो क्यू रैंकिंग होती है क्यू रैंकिंग एक वर्ल्ड रैंकिंग होती है और क्यू रैंकिंग जो है डिपार्टमेंट वाइज रैंकिंग देती है तो क्यू रैंकिंग में मैकेनिकल इनका टॉप ट्वेंटी नहीं टॉप टेन में आता है मैकेनिकल इनका तो दिस इज वेरी गुड बट केवल ट्वेंटी थर्टी जॉब्स ही आ रही हैं सो दैट मीन्स मे बी मे बी वी कैन से मे बी टेन परसेंट बच्चे जो हैं टेन टू ट्वेंटी परसेंट जो है कोर जॉब्स में जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल uh, के फिफ्टीन टू ट्वेंटी जॉब्स आ रहे हैं एनालिटिक्स के तकरीबन पचास जॉब्स आ रहे हैं और केमिकल के दस तो आप ये देख रहे हो कि कोर कंपनीज जो हैं यहाँ पे भी कम हैं तो uh, आपको जब आप कोर कंपनी ले रहे हो आप अगर केमिकल ले रहे हो या मैकेनिकल ले रहे हो तो या सिविल ले रहे हो तो यू हैव टू पुट इन एन एक्स्ट्रा एफर्ट आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा because uh, the core companies are less let us look at the average salaries these are average salaries these are not median but you can look at the median here so you can easily think this if this is the median for cs the median would be nearly 15 lakhs per annum definitely for electrical it would definitely be something around uh, maybe it will this will be 17 16 to 17 and this will be to 14 to 16 definitely और फिर मैकेनिकल वगैरह का इसी के आसपास रहेगा ये हो सकता है एवरेज अगर आप देख रहे हो तो मैकेनिकल का ग्यारह लाख है सिविल का ग्यारह लाख है आई का सत्रह लाख एवरेज है ट्रिपल ई का चौदह लाख है तो एवरेज तो ज्यादा तो जाएगा आई का तो इसीलिए मैं कह रहा हूं मीडियम जो सी का होगा वो मे बी चौदह से सोलह लाख के बीच में रई करेगा ट्रिपल ई uh, ट्रिपल ई का और सी का चौदह से सोलह लाख के करीब काफी अच्छा मीडियन है मतलब पचास परसेंट बच्चे उसमें जा रहे हैं तो दूसरी चीज़ है दूसरी चीज़ है कि कितनी कंपनीज़ आपको अलाउ करती हैं बैठने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है जितनी भी कंपनीज़ आ रही हैं उनमें से 68 परसेंट कंपनीज़ आपको केमिकल में अलाउ करेंगी मतलब और 72 परसेंट कंपनीज जो है सिविलर तो बहुत कंपनीज़ नहीं है आपके लिए सेवेंटी कंपनीज़ आ रही हैं आपके लिए अगर आप केमिकल में हो सिक्सटी कंपनीज ट्रिपल ई में नाइन्टी मैकेनिकल में एट्टी फोर में सी में कहाँ गए सी ओके सी में नाइन्टी और मैनुफैक्चरिंग में सबसे कम है जो है सिक्सटी फाइव तो इसका कट ऑफ भी टू फिफ्टी फाइव के करीब रहता है सबसे लोएस्ट जो कट ऑफ रहता है वो मैनुफैक्चरिंग का ही रह, ले, रहता है और दूसरी चीज़ है कितना एफर्ट आपको डालना पड़ेगा वो बात कर लेते हैं ये भी मैंने बिट सैट वाले से ही लिया है बिट सैट जो चैनल है बिट uh, सी वाला जो मैंने अभी आपको बताया है ये बात है कि ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट को तो सी एस मिल जाएगा वो अपने चैनल में ये कह रहा है कि जो क्विजेज़ हैं क्विज़ बच्चे ना बहुत लाइटली लेते हैं और हमें एक्चुअली टारगेट जो करना है वो ये करना है कि जो भी हमारा क्लास एवरेज होगा जो भी हमारा क्लास एवरेज होगा उससे हमें सिक्सटी मार्क्स ज़्यादा लाने हैं तो अगर हम सिक्सटी मार्क्स ज़्यादा लेंगे तो हमें सी मिल जाएगा अगर हम थर्टी टू फोर्टी मार्क्स ज़्यादा लाते हैं तो हमको ट्रिपल ई e मिल जाएगा और अगर हम ट्वेंटी से थर्टी मार्क्स लाते हैं तो हमको मैकेनिकल या सिविल मिल जाएगा और अगर हम एवरेज पे ही रहते हैं तो हमें केमिकल मिल जाएगा ठीक है ये बात है तो वो कहते हैं कि बच्चे जो है क्विजेज़ लाइट ले लेते हैं मिड टर्म लाइट ले लेते हैं और फिर एंड सेमेस्टर में सोचते हैं कि हम कर लेंगे उसका कहना ये अगर आप ये सारों में और वो ये भी कह रहे हैं कि जीरो परसेंट अटेंडेंस रूल है कि कोई जरूर, जरूरत नहीं है कि आप क्लास जाओ लेकिन अगर आप क्लास uh, नहीं जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्विज़ कब हो रही है लेकिन आप प्रिडिक्ट कर सकते हो क्विज़ कब होने वाली है अगर आप क्विज अटेंड कर रहे हो मिड टर्म में कम से कम तीन चार दिन पहले पढ़ ले रहे हो और कम से कम एंड सेमेस्टर में एक वीक पहले पढ़ ले रहे हो तो उसका कहना ये है कि आप आराम से 20 20 मार्क्स अबव एवरेज ला सकते हो क्योंकि देखो आप केवल एंड सेमेस्टर में सीधे क्योंकि सारे बच्चे दे आर एक्सेप्शनली गुड सारे बच्चे दे आर एक्सेप्शनली गुड बहुत हाई कट ऑफ से आए हैं तो एवरेज बहुत लो तो जाएगा नहीं और अगर आप एवरेज में एंड सेमेस्टर सोचोगे कि मैं सीधे साठ मार्क्स ज़्यादा लूँ तो केवल टॉपर ही ला पाएगा वो तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप सबको रेगुलरली अटेंड करिए और सब में कोशिश करिए कि आप ट्वेंटी मार्क्स ट्वेंटी मार्क्स अबव एवरेज रहें ट्वेंटी मार्क्स के ऊपर रहें और तो फिर वो कह रहा है कि मेरे को भी उसकी बात सही लगी तो फिर आप मान सकते हो कि आपको मिल जाएगा ठीक है अब बात करते हैं हम लोग पहले बात कर लेते हैं पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ़ की एक मिनट हम आ, कलर चेंज कर लिया जाए कट ऑफ़ की बात कर लेते हैं तो आप ये देखो कि इकोनॉमिक सबसे ऊपर रहता है तीनों ही आ, तीनों ही कैंपस में ये है पिलानी ये है गोवा और ये हैदराबाद है है तो तीनों में ऊपर रहता है और आप ये देखोगी इकोनॉमिक्स जो है केमिकल इंजीनियरिंग के कट ऑफ से भी ऊपर है मैकेनिकल से भी ऊपर है मैनुफैक्चरिंग से भी ऊपर है तो अब आपको ये चॉइस करना पड़ेगा कि मैं क्या लूँ ठीक है क्योंकि लेकिन वही है एक ए, एक डाउनसाइड एक एक्स्ट्रा ईयर वन एक्स्ट्रा ईयर प्लस ऑलमोस्ट पाँच लाख रुपए एक्स्ट्रा सो ये आपको देगा तो अगर रिटर्न नहीं आता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है बट uh, अगर आप हायर स्टडीज वगैरह के लिए सोच रहे हो पीएचडी वगैरह के लिए तो ये तब भी ये काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है मैथ्स देखिए टू एट्टी सिक्स है जो अगेन इट इज़ हायर देन केमिकल और सिविल से भी ऊपर है ठीक है तो आप ये देख सकते हुए कट ऑफ यहाँ पे सबके लिखे हुए हैं एंड दीज आर द सेम पैटर्न ओवरऑल इन गोवा एंड हैदराबाद नॉट नेली प्लेसमेंट्स आर दीज गुड बट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इन गोवा ऑल्सो द एवरेज सैलरी इज समथिंग अराउंड थर्टीन फोर्टीन लैक्स फॉर श्योर जब यहाँ पे चौदह लाख है तो आप उससे ज़्यादा तो नहीं बोल सकते जबकि उनके बच्चे जो हैं उनसे मैंने बात करी तो वो तो अट्ठारह लाख बोल रहे हैं बट मैं मान के चल रहा हूँ बारह तेरह लाख तो होगा हो ही होगा अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे को अगर मिल रहा है तो मैं क्या करूँ इसमें देखो यार सोचने वाली बात ये है कि अगर तुमको ट्रिपल आई में ई सी एस मिल रहा है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखो कि वहाँ पे ई का जो सिलेबस है वो भी सी जैसा ही है तो आपको फ्री में मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्च करना आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना आप केवल दस लाख की फीस दोगे और आप अगर ई भी पढ़ते हो विच इज़ लाइक समथिंग इफ़ यू गेट समथिंग अराउंड नाइन्टी सेवन टू नाइन्टी एट परसेंटाइज इन जेई मीन्स परसेंटाइज भी ला रहे हो तो आप अगर ई भी पढ़ रहे हो तो आप केवल दस लाख रुपए देते हो एंड यू अंडरस्टैंड यू गेट द नॉलेज ऑफ सी एस एज वेल एंड इनका जो एवरेज सैलरी वो आठ लाख के करीब है तो आप दस लाख दे रहे हो और आठ लाख की सैलरी उठा रहे हो वहीं आप अगर बिट्स में चौबीस लाख दे रहे हो और अगर आपकी मान लो मैकेनिकल वगैरह कुछ मिल रहा है आपको और अगर आप आ, बार ग्यारह लाख की उठा रहे हो सैलरी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ आपका आर उतना अच्छा नहीं हुआ है आपको आर इतना अच्छा नहीं हुआ तो मैकेनिकल सिविल केमिकल में आपको थोड़ा सा सोच लेना है कि मैं क्या करूं अगर आपको ये सब ऑप्शन मिल रहे हैं अगर आपको वी मणिपाल यहाँ पे सी मिल रहा है सी मिल रहा है तो मेरे हिसाब से अब देखो यार ये आपकी मर्जी है क्योंकि अब ये जो इसमें रिस्क है ना इसमें रिस्क ये है कि वैसे रिस्क ये है कि देखो पैसा तो अब इस बार सेम लगने वाला है पच्चीस लाख ही लगेगा वी में अगर आप कैटेगरी वन वगैरह में हो तो आप एक बार सोच सकते हो क्योंकि तेरह लाख रुपये लगेगा तो रिस्क ये है कि अगर आप सी अच्छा नहीं लाए और अगर आप थोड़ा सा आपको मैकेनिकल या सिविल मिला सिविल मिला तो वैसे तो एवरेज उनका 11 लाख के करीब है लेकिन आपने खर्चा भी तो 25 लाख कर दिया है और यहाँ पे फिर आप मास्टर्स नहीं कर सकते मास्टर्स आप सी वगैरह में नहीं कर सकते यहाँ से अगर आप पढ़ रहे हो तो आप सी वगैरह से मास्टर्स कर सकते हो अगर आपको तेरह लाख में जैसे वी मिल जाए आप सी फिर मास्टर्स करो आई से भी अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो वहाँ पर मीडियम सैलरी बारह लाख के करीब है तो यू आर रीचिंग समवेयर ऑन द सेम पैटर्न स्टिल यू आर स्पेंडिंग लेस तो जस्ट बींग फ्रूगल जस्ट बींग फ्रूगल ज़्यादा थोड़े कंजूसी से सोचो पैसों के बारे में तो कहीं कहीं आपको लगता है यार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चॉइस है लेकिन अगर रेपुटेशन वाइज सोचो तो फिर कोई भी नहीं बोलेगा वो कहेगा नहीं बिट्स ही ले लो बट थोड़ा आप डीप एनालिसिस करो क्योंकि आपकी ये लाइफ uh, के बारे में बात है ठीक काउंसलिंग डू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड ऑल्सो डू लाइक दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच